दोस्तों आज की कहानी है अकबर बीरबल की, रसोई का बीरबल के सवाल, रसोइयों का बीरबल के लिए सवाल। बादशाह अकबर के दरबार में एक खाना बनाने वाला रसोई रहता था। वह रसोई बीरबल को पसंद नहीं करता था। वह बादशाह अकबर मुंह से बीरबल की तारीफ को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था। एक दिन जब बादशाह भोजन कर रहे थे तो उस रसोई ने अकबर ने कहा, बादशाह मैं दरबार में बीरबल से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तभी ही बीरबल को बुद्धिमान मान सकता हूँ। इस पर अकबर तैयार हो गए, दरबार लगा। दरबार से सभी लोगों हाजिर हुए। दरबार में रसोई भी आया और बोला, मैं बीरबल को बुद्धिमान तभी मानूंगा जब बीरबल मेरे दो सवालों का जवाब सही दे पाएंगे। अकबर ने कहा, अपने सवाल बीरबल से पूछो। रसोई ने सवाल पूछना शुरू किया। नंबर एक, जमीन का केंद्र कहाँ है। नंबर दो, आकाश में कितने तारे मौजूद है। ये प्रश्न को सुनकर बीरबल मन ही मन में हंस दिए। फिर बीरबल ने सवालों का जवाब देना शुरू किया। इस जमीन पर का केंद्र मेरे पैर के पास है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो इस धरती को नाप कर देख लो। अगर ये केंद्र ना हुआ तो फिर तुम मुझसे बात करना। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है कि जितना तुम्हारा सर में बाल है उतना ही आकाश में तारे हैं। फिर भी तुम्हें यकीन ना हो तो पहले मेरे सर के बाल को गिन लो, फिर आकाश में मौजूद तारे को गिन लो। एक भी कम ज़्यादा नहीं हो सकता। जवाब सुनकर रसोई कुछ ना बोल सका। रसोई ने अपनी गलती को मान लिया और फिर कभी बीरबल के सामने कोई सवाल करने के बारे में नहीं सोचा। दोस्तों गुड मैसेज ट्यूबर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना मत भूलना। दोस्तों ओके, हैव अ नाइस डे, खुश रहो।